हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो है एक इंट्रोडक्शन वीडियो, जो कि शायद मुझे काफ़ी पहले शूट कर लेना चाहिए था, बट मुझसे मिस हो गया। जब भी वीडियो शुरू करते हैं या आप किसी चीज़ में एंटर करते हो, किसी फील्ड में एंटर करते हो, तो ये स्टार्टिंग जो होती है, आप पहले आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होता है कि आप कौन हो, कहाँ से हो, क्या करते हो। बट ये सारी चीज़ें मुझसे मिस हो गई, सॉरी फॉर दैट। बट एक मेरी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे पूछा, उनको इंटरेस्ट आया कि मैं कौन हूँ, कहाँ रहती हूँ, क्या करती हूँ। सो मैंने सोचा ये मुझे वीडियो बनाना है और मुझे बताना है कि हु आई एम। और ये ज़रूरी है बिकॉज मेरे पास इतने सब्सक्राइबर नहीं हैं कि मुझे रोज़ कोई पूछे या कौन वाप, बट एक हैं जो उनके बहुत ही प्यारे कमेंट्स होते हैं, जो जिनके कमेंट मैं पढ़ के काफ़ी एनर्जाइज हो जाती हूँ। और कभी कभी अगर मुझे लगता है कि यार ये इट्स नॉट वर्किंग, तो जब भी उनके कमेंट्स आते हैं तो मैं ठीक है यार, चल रहा है, चलने दो। तो या सो शुरू करते हैं कि हु आई एम। सो मेरा नाम शारदा तिवारी है, शादी से पहले मैं त्रिपाठी थी बट अब तिवारी हूँ। और मैं कहाँ से हूँ, तो मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। और मेरी एजुकेशन क्या है, तो मैंने MBA किया है मार्केटिंग एंड फिनेंस से। और फ़िलहाल मैं कोई जॉब यहाँ नहीं करती हूँ एक्सेप्ट दिस यूट्यूब। तो या और मैं कहाँ रहती हूँ, तो मैं ओमान में रहती हूँ, मस्कट जो यहाँ की कैपिटल है, वहाँ रहती हूँ अपने हस्बैंड के साथ। और मेरे दो बच्चे हैं, एक है 5 साल का और 5 साल रनिंग है उसका, और दूसरा है 1.5 ईयर का। सो ये मैं मेरी फैमिली है। सो या और मैं यूट्यूब में कैसे आई, एक्चुअली यूट्यूब की काफ़ी पहले से मैंने सोचा था यूट्यूब करने का, या यूट्यूब में थोड़े से थोड़ा इंटरेस्ट था मुझे कि कुछ करना, बिकॉज काफ़ी टाइम से जब आपके दिमाग में पड़ा हो ना, तो कर लेना चाहिए। तो मैं एक दो बार मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे यूट्यूब से कर यूट्यूब में वीडियोज़ बनाने हैं या डालने हैं। सो उन्होंने मुझे एक बर्थडे पे अक्टूबर में ही ये कैमरा गिफ्ट कर दिया। सो जब मुझे कैमरा मिला तो मैंने बोला आर यू सीरियस, मतलब मुझे, मैं तो शायद ऐसे ही बोल रही थी। तो अब यार कैमरा मिलने के बाद तो मतलब आप बहाना भी नहीं बना सकते कि आपके पास कैमरा नहीं है, आपके पास ये नहीं है, आप वीडियो कैसे बनाओगे। सो आपको बनाना ही है। सो ये रहा मेरा आने का मोटिव। सो मुझे ऐसा कभी नहीं है कि भाई मुझे, मतलब मैं बहुत क्रेज़ी हूँ कि मुझे इतने सब्सक्राइबर नहीं हो रहे हैं या मुझे चाहिए। सी मैं बिलीव करती हूँ अपने काम पे, अगर मेरा काम अच्छा होगा या मैं अच्छे वीडियो डालूँगी, अच्छे कंटेंट डालूँगी, तो ऑब्वियसली लोग देखेंगे। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, जब भी मेरा टाइम होगा। टाइम से पहले और समय से, किस्मत से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। तो मेरा अगर जब भी मेरा टाइम होगा, मिलेगा नहीं होगा, तो इट्स अप टू ये मेरे बस में नहीं है। मेरे बस में जो है वो मैं काम कर सकती हूँ, अच्छे कॉन्टेंट डाल सकती हूँ। एंड थोड़ा सा मैं इस कंट्री के बारे में भी बताना चाहूँगी। सो ओमान इंडिया के बहुत ही नज़दीक है, 3.5 आवर की फ़्लाइट है लखनऊ से, दिल्ली से 2.5 आवर लगता है, और बॉम्बे से तो और भी पास है, बॉम्बे से आई गेस 1.5 आवर की फ़्लाइट है, और दुबई से काफ़ी पास है। दुबई से तो आप वॉक करके चले जाओ, वॉक नहीं करो बट वॉकिंग डिस्टेंस नहीं है, बट फ्लाइट है 1.5 आवर की फ़्लाइट है दुबई से। एंड ओमान इट्स सच अ ब्यूटीफुल कंट्री, बहुत ही प्यारी कंट्री है, बहुत ही शांत जगह है, बहुत ही शांत है। लोगों को, यहाँ के लोगों को कोई जल्दी नहीं है, सब बहुत धीरे धीरे करने वाले लोग हैं, सब बहुत ठहरे हुए लोग हैं। और सिटी बहुत ही फास्ट मूविंग नहीं है, सिटी बहुत ही स्मूथ है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ के बीचेस तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं। थोड़ा सा लॉकडाउन वगैरह ये ख़त्म हो, ये कोरोना का चक्कर ख़त्म हो, तो मैं आपको थोड़ा बहुत बीच बीच में दिखाती रहूँगी ओमान के ब्यूटीफुल बीचेस, ओमान की ब्यूटीफुल जगह हैं, जो कि ओमानीज़ ने बहुत अच्छे से इसे प्रिजर्व किया है। अगर दुबई से कंपेयर करें, दुबई बिल्कुल पास में है ओमान के, दुबई बहुत वेस्टर्नाइज हो गया है, दुबई में हाई राइज बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट है और बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज हो गया है। बट ओमान में, ओमान के ऐसा मानते हैं लोग कि इन्होंने बहुत प्रिजर्व किया है नेचुरल ब्यूटी को, बहुत उसके साथ छेड़खानी नहीं की, उसको जैसा है वैसा ही रखा है। तो या मैं आपको ओमान का चक्कर भी लगवाऊंगी बीच बीच में, जब भी मेरा जाना होगा। अभी तो मैं 3-4 महीने से नहीं निकली हूँ। सो या दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। होप आप लोग मुझे थोड़ा सा जाने हो, और
आप लोग भी मुझे अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ से हैं और क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं. एंड या सो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ. एंड बिफोर दैट प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक शेयर कॉमेंट करना बिल्कुल ना भूलें. और मैं अपने मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.